गैंगस्टर गोल्डी ब्राड़ वालों एक इंटरव्यू राही मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला ते लाए गंभीर दोषों तो बाद मूसेवाला के माता पिता अज एक बार फिर कैमरे अगे आए ने। इस दौरान सिद्धू की माँ ने कहा कि सिद्धू बारे जो कुछ भी मूल को के बोल रहे ने सानू चलना औखा हो गया। उन्हों का पुत्र लोगों दिया जाना बचाने च लगा होया सी। उन्हें कहा कि PGI जाके पूछ सकते हो कि उसने किन्ने मरीजा की जान बचाई है। जे किसी नूं ब्लड की लोड़ हुंदी सी तां सिद्धू पोस्ट सोशल मीडिया से पा के लोगों तो ब्लड देन की अपील करता सी, जिस कारण हज़ारां नौजवानों नूं खून चढ़े भी ने अते हज़ारां ने उसके कहे ते खून दान भी किया। वह लोग मूल को के कह रहे हैं कि सिद्धू च हंकार सी। जिस बंदे ने जमीन तो उठ के तरक्की की हुंदी है उस च हंकार आ ही जांदा है। उन्हें कहा कि मैनू फखर है कि मेरा पुत बहादुर ते शेर सी, ता ही ता उसनू इन्नियां मावां बच्चे ते बजुर्ग उसकी तड़फ विच रो रहे ने। उन्हें कहा कि वह बुजदिल लोग ने जिहड़े मूंह लुको के फेसबुक ते पकाइयां मारदे ने ते कोरा झूठ बोल रहे ने। यह लोग अजिहा सिद्धू का अक्ष खराब करन लई कर रहे ने, पर सिद्धू दे अक्ष बारे 2 महीनों तो सारियां नू पता लग रहा है। वह शेर मां का शेर पुत सी ते सानू उस ते माण महसूस हो रहा है। लोग आके मैनू कहिंदे ने कि तुहाडी कुख सुलखणी है कि तुसी सिद्धू वर्गे पुत नू जन्म दिता, पर उन्हां दीआं मावां दीआं कुखां नू लोक गालां कढ रहे ने, इस नाल मेरी आत्मा नू शांति मिलदी है। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने कहा कि सिद्धू नू कतल करन वालिआं ने सोचिआ होवेगा कि सिद्धू दी आवाज़ नू शांत कर देणगे ते सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उन्हां नू दसणा चाहुंदा कि सिद्धू नू जिउंदे जी 1 मिलियन लोग फॉलो करते सन, पर अज उस नू 16 मिलियन तो वध लोग फॉलो कर रहे ने। सिद्धू की सोच अगे नालों दुगनी हुई है ते आने वाले समय च पता लग जाएगा कि सिद्धू की चीज़ सी। उन्हें कहा कि सिद्धू नू गए अज 2 महीनों तो वध दा समा हो गया, पर लोगों की खिच घटन की बजाय वधदी जा रही है। उन्हें कहा कि इनक्वायरी भी चल रही है ते सानू जिथे कोई अफसर बुलाउंदा है सानू जाना पैंदा। असी तां यही परमात्मा अगे अरदास करदे हां कि साडे बच्चे दा सानू जल्दी तो जल्दी इंसाफ मिले। इस च पुलिस प्रशासन तनदेही नाल लग्या होया है। असी उम्मीद कर सकते हैं कि सानू कुछ चंगा सुनन नू मिलेगा। उन्हें कहा कि मेरा पुत बेदोशा ते कोरा कागज़ सी जिस ते पापियां ने गोलियां चलाईयां, पर उन्हें नहीं पता कि वह मार किस नू रहे ने। उन्हें कहा कि साडा इंसाफ शूटरां नू मारन जां फड़न तक सीमित नहीं है। जदों तक सरकारां देशां विदेशां च बैठे इन्हां दे अकावां दा कोई हल नहीं करदियां उदों तक इंसाफ अधूरा ही रहेगा। तुहानू एक बार फिर दस दिंदे हां, गैंगस्टर गोल्डी ब्राड़ वालों एक इंटरव्यू राही मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला ते लाए गंभीर दोषों तो बाद मूसेवाला दे माता पिता अज एक बार फिर कैमरे अगे आए ने। इस दौरान सिद्धू की माँ ने कहा कि सिद्धू बारे जो कुछ भी मूल को के बोल रहे ने सानू चलना औखा हो गया। उन्हों का पुत्र लोगों दिया जाना बचाने लगा होया सी। उन्हें कहा कि PGI जाके पूछ सकते हो कि उसने किन्ने मरीजा की जान बचाई है। जे किसी नूं ब्लड की लोड़ हुंदी सी तां सिद्धू पोस्ट सोशल मीडिया से पा के लोगों तो ब्लड देन की अपील करता सी, जिस कारण हज़ारां नौजवानों नूं खून चढ़े भी ने अते हज़ारां ने उसके कहे ते खून दान भी किया। वह लोग मूल को के कह रहे हैं कि सिद्धू च हंकार सी। जिस बंदे ने जमीन तो उठ के तरक्की की हुंदी है उस च हंकार आ ही जांदा है। उन्हें कहा कि मैनू फखर है कि मेरा पुत बहादुर ते शेर सी, ता ही ता उसनू इन्नियां मावां बच्चे ते बजुर्ग उसकी तड़फ विच रो रहे ने। उन्हें कहा कि वह बुजदिल लोग ने जिहड़े मूंह लुको के फेसबुक ते पकाइयां मारदे ने ते कोरा झूठ बोल रहे ने। यह लोग अजिहा सिद्धू का अक्ष खराब करन लई कर रहे ने, पर सिद्धू दे अक्ष बारे 2 महीनों तो सारियां नू पता लग रहा है। वह शेर मां का शेर पुत सी ते सानू उस ते माण महसूस हो रहा है। लोग आके मैनू कहिंदे ने कि तुहाडी कुख सुलखणी है कि तुसी सिद्धू वर्गे पुत नू जन्म दिता, पर उन्हां दीआं मावां दीआं कुखां नू लोक गालां कढ रहे ने, इस नाल मेरी आत्मा नू शांति मिलदी है। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने कहा कि सिद्धू नू कतल करन वालिआं ने सोचिआ होवेगा कि सिद्धू दी आवाज़ नू शांत कर देणगे ते सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उन्हां नू दसणा चाहुंदा कि सिद्धू नू जिउंदे जी 1 मिलियन लोग फॉलो करते सन, पर अज उस नू 16 मिलियन तो वध लोग फॉलो कर रहे ने। सिद्धू की सोच अगे नालों दुगनी हुई है ते आने वाले समय च पता लग जाएगा कि सिद्धू की चीज़ सी। उन्हें कहा कि सिद्धू नू गए अज 2 महीनों तो वध दा समा हो गया, पर लोगों की खिच घटन की बजाय वधदी जा रही है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।